नमस्कार। अवध न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। सीएम से लेकर जन प्रतिनिधियों तक ग्रामीणों ने लगाई गुहार, लेकिन सड़क के दिन नहीं बहुरे। इससे नाराज लोगों ने आज बारिश से जलमग्न सड़क पर धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि गड्ढों में तब्दील सड़क नहीं बननी तो धान की रोपाई हो ही सकती है। गुजरने योग्य सड़क नहीं तो धान ही सही। न्याय पंचायत ठाकुरापुरा के हाड़िया गाड़ा चौराहे रेशम फार्म तक की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई। बारिश के दिनों में सड़क पर जलभराव हो जाता है। क्षेत्र के समाज सेवियों ने सत्ता पक्ष के जन प्रतिनिधियों व सीएम तक इस सड़क की निर्माण की मांग की, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सड़क के दिन नहीं बहुरे। ऐसे में आज क्षेत्रवासियों ने जलमग्न सड़क पर धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। साथ ही सरकार से अपील भी की कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए। बालपुर गोंडा से संतोष कोहली की ये रिपोर्ट। सिंह धानी गांव का निवासी हूं। मेरा घर इसी सड़क के ठीक बगल पड़ता है और पिछले एक वर्षों से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस सड़क की बदहाल दशा और लोगों के हो रहे बार बार एक्सीडेंट की सूचना कहीं ना कहीं हम लोग प्रशासनिक अमले को पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस सड़क की अनदेखी इस वजह से की जा रही है। कोई बता रहा है कि इस रोड की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नहीं आती है, विश्व बैंक के अंतर्गत आती है, तो इस चक्कर में ये पेज फंसा हुआ है। लेकिन जिले के सभी पदाधिकारी लगभग इस चीज़ को जानते हैं कि ये सड़क एक साल से ख़राब है और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं छोटी बड़ी होती रही हैं और इस समस्या का सामना हर आम व्यक्ति को करना पड़ रहा है। इसलिए रामायण की वो चौपाई याद आती है कि बिना इनामानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। आज उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के विभिन्न जो उनकी लॉकडाउन के समय की पालन करते हुए हम लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इकट्ठा हुए हैं और सड़क पर धान रोपाई करके हम लोग एक अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये मांग करना चाहते हैं कि ये सड़क सुधर जाए, जिससे इस क्षेत्र में की लगभग 10,000 जनता, लगभग प्रतिदिन 1,000 से 5,000 व्यक्ति का आवागमन होता है और इस समय तो इस सड़क पर दोपहिया वाहनों का भी और पैदल चलना दूभर है, तो चौपहिया वाहन से जो चलते हैं उनकी क्या समस्या होती, आप स्वयं इसका आभास कर सकते हैं। और सरकार से केवल एक यही नम्र निवेदन है कि यथावत इस सड़क का यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके निर्माण हो जाए, यही प्रार्थना है। सर क्या नाम है आपका? सुधीर ओझा। ये जो पीछे सड़क दिख रही है, इसमें जो है कुछ लोगों ने आज धान की रोपाई वगैरह की है। ये जो सड़क है ये खराब है, इसके उसमें विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है। ये सड़क बालपुर परसपुर रोड से रेशम फार्म तक जाती है, करीब 8 से 10 किलोमीटर तक की ये सड़क 2002 में विश्व बैंक द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद इसके पर कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ, क्योंकि सड़क के किनारे नदी पड़ती है तो आए दिन रेनकट हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जलभराव की वजह से आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाएं होने की बहुत बड़ी संभावना है। हम ये चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो जाए ताकि इस सड़क पर आने जाने वाले करीब 10,000 लोगों के आवागमन में सुविधा हो। किन लोगों से आपने इसकी शिकायत की, कैसे? इसकी शिकायत सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों ने माननीय विधायक हमारे क्षेत्र के लल्ला भैया और तमाम लोगों से शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं? जो कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये सड़क का निर्माण हो जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा हो। मेरा नाम हरिशंकर कुलदीप है, मैं नारायणपुर मर्दन का निवासी हूँ और ये जो सड़क है आपको दिखाई दे रही है ये पूर्ण रूप से गड्ढों में तब्दील हो गई है और इस पर अब चलना एकदम दूभर हो गया है। कोई भी कभी भी आता जाता है तो बहुत बड़ी जो खतरे की घंटी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हम आज आपके माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से कि भाई इस सड़क को बहुत जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मरम्मत की जाए, जिससे हम लोगों को आवागमन में कोई समस्या ना हो। अभी तक किन लोगों से आपने इसकी शिकायत की और क्या हुआ? इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं हम उनसे शिकायत किए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम शिकायत किए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये सड़क सही ढंग से बन जाए, जिससे हमारे जो छात्र हैं पढ़ने जाते हैं या किसी को कोई समस्या होती है, मेडिकल में दिक्कत होती है, तो वो जा सकें और अपनी दवा और अपना काम सही ढंग से करवा सकें।